जो मन है, भगवान गीता में कुछ बता रहे हैं उसके बारे में, मैं आपको भी थोड़ा सा बताता हूँ। तो एक श्लोक है गीता का, उद्धवेदात्मनात्मानम् नात्मानम् अवसादये आत्मैव हि आत्मनो बंधुरात्मना। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। किसकी सहायता से? मन की सहायता से, और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और तो गीता हमें सिखा रही है कि कैसे इस दुनिया में रह के मन को नियंत्रित करके रहा जा सकता है। तो इसीलिए मन की सहायता से हमारा उद्धार भी हो सकता है और गिर भी सकते हैं, और हम गिरते हैं। इस कोरोना क्राइसिस में न जाने कितने लोग गिरे हैं, बहुत गिरे हैं लोग। और तो हमसे ही अभी समझने का प्रभुपाद क्या बोलते हैं तात्पर्य में हम समझते हैं। बोलते हैं प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर मन एवं आत्मा होता है। यहाँ पर एक्चुअली आत्मा शब्द तीन बार ऐसे आया है, तो आत्मा को शरीर से भी भगवान ने बोला है, शरीर मन तथा आत्मा। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, अतः इस प्रसंग में आत्मा को तात्पर्य आत्मा का तात्पर्य मन होता है। यहाँ पर आत्मा को मन से बोला गया है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा बल दिया गया है कि मन को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़प भड़क से आकृष्ट न हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों से आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही संसार में फंसता जाता है। अपने को विरक्त बना करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावना में निरत रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंधु मोक्षयो बंधाय विषय संगो मुक्तैव निर्विषयम् मनः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण भी है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावना में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण होता है। एक्चुअली हमने अभी रीड किया प्रभुपाद जी की जो भगवद गीता से, जो उसका तात्पर्य मैंने आपको बताया, इसी को हम एलैबोरेट करेंगे अभी आगे। तो अब हमने ये समझ लिया कि जो मन है हमारा वो हमारा शत्रु भी हो सकता है और मित्र भी हो सकता है। तो आपकी जिम्मेदारी है, ओवरऑल कोई और जिम्मेदार नहीं है। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये सब, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें मेरे कोई वर्ड्स नहीं है, सब प्रभुपाद जी के। हम लोग बस ऐसा पैरेट आपको बताने वाले हैं जो भी मैं बताऊंगा। तो प्रभुपाद क्या बोलता है, टू रेज माई सेल्फ टू द स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड बाय माई सेल्फ। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मन को ऊपर उठाएं या गिराएं। तो चाणक पंडित को कोट करते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, न कश्चित कश्यचित मित्रम न कश्चित कश्यचित रिपु व्यवहारेन जायन्ते मित्रानि रिपवस्तथा। नोबडीज फ्रेंड, नोबडीज एनमी, बट इज ओनली द बिहेवियर बाय विच वन कैन अंडरस्टैंड हु इज हिज फ्रेंड एंड हु इज हिज एनमी। तो हमारा व्यवहार ही, हम कैसे उससे डील करते हैं, यही दिखाएगा कि हम मित्र की तरह हैं कि शत्रु की तरह हैं। तो ये व्यवहार क्या होना चाहिए हमारा, तो वही हम थोड़ा सा देखेंगे। तो एक चीज हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हम ही जिम्मेदार हैं और कोई जिम्मेदार नहीं हमारे मन के लिए। आप कोई और जिम्मेदारी नहीं लेगा। जैसे हम एक कभी कभी हम सोचते हैं वो मित्र है ये शत्रु है। ये जो भाव है ना आपके अंदर कि somebody is your enemy, somebody is your friend, ये एक्चुअली ये गलत भाव है। ये मन आपको बोल रहा है। जो असली शत्रु मित्र है वो आपके साथ ही है।
आप हर समय उसके साथ रह रहे हो और उसको आप समझ ही नहीं पा रहे हो मित्र और शत्रु। तो ये जो मन ही है जो हमें बार बार दूसरों को बोलता है मेरा शत्रु और मित्र, जो मेरे इंद्रिय तृप्ति में सेंस एंजॉयमेंट में आनंद मदद करता है उसको हम अपना मित्र मान लेते हैं, जो विरोध करता है उसको शत्रु मान लेते हैं। तो ये मन ही है जो हमें विश्वास दिला रहा है। एक ही व्यक्ति वो कभी शत्रु लगता है कभी मित्र लगता है आपके। तो इसलिए पहली अगर आप यहां पर हैं गीता सीख रहे हैं तो ये हमारा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। दुनिया को बदलने की बात नहीं, पहले अपने को बदलना है। आप बदलेंगे तो आपके आसपास अपने ही बदलाव आ जाएगा। इसीलिए गीता सीख के किसी और को नहीं बदलना है, पहले अपने को बदलना है। फर्स्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं, ये मेरे लिए, ठीक है ना। तो जैसे कोई भी जन्म से ऐसा नहीं होता है वो अपनी लिस्ट लेकर आता है पैदा होते है कि देखो मेरे शत्रु है। एक जैसा शिशुपाल का जन्म हुआ था तो शिशुपाल जन्म से ही कृष्ण को शत्रु मानता था। तो ऐसे तो बहुत कम लोग हैं, तो उसको जन्म से ही कृष्ण से चिढ़ थी। हाँ, तो वो क्योंकि उसका जन्म इसीलिए हुआ था कृष्ण से लड़ाई करने के, युद्ध करने के। तो ये तो एक स्पेशल केस हो गया, बट हम सबका ऐसा नहीं था। हमने ही अपने जो शत्रु और मित्र बनाए अपने बिहेवियर की वजह से। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि nobody is born enemy, nobody is born friend, but by your mutual behavior, somebody is my friend, somebody is my enemy. Similarly, we have this dealing in the ordinary daily affairs. Similarly, I have my dealing with myself. तो उसी तरह से अपने साथ आप कैसा व्यवहार करते हो यही दिखाएगा कि आप अपने मित्र हो या अपने शत्रु हो। आप अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये दिखाएगा कि आप क्या, आप अपने लिए मित्र हो या शत्रु। तो ये क्या है, देन वॉट इज दैट फ्रेंडशिप एंड इनिमिकल बिहेवियर, क्या वो व्यवहार कैसा है। बोलते द फ्रेंडशिप इज दैट, फ्रेंडशिप इज दैट दैट आई एम सोल, सम और अदर आई हैव बीन इन कॉन्टेक्ट विद दिस मटेरियल नेचर, सो आई हैव टू गेट माई सेल्फ आउट ऑफ द एंटैंगलमेंट ऑफ दिस मटेरियल नेचर। अगर आप ये समझने पर अपना अगर आप ये समझने का प्रयास करते हो कि मैं क्या हूं, आत्मा हूं, और अगर मैं इस संसार में किसी तरह से फंस गया हूं, और अगर ये और मुझे इस संसार से निकलना है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बताना पड़ेगा आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड, क्योंकि ये चीज थोड़ा सा ये क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है। सिर्फ भगवत गीता ये मैं क्योंकि मैं छठवें अध्याय का श्लोक ले रहा हूं, तो भगवत गीता एक्चुअली ओरिजिनली जब स्टार्ट होती है तो सेकेंड चैप्टर में भगवान शुरुआत ही करते हैं अर्जुन को, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर भगवत गीता का पूरा यही था कि अर्जुन अपनी बात कह रहे हैं कृष्ण को। जैसे होता है ना कभी कभी हम भगवान के पास जाते हैं कि हे जगन्नाथ मेरे जीवन में बहुत संकट है, आप समाधान करें, लेकिन समाधान करें लेकिन मेरा समाधान लेकर, मैं जैसा चाहूं वैसा समाधान करें। मतलब हम कृष्णा को अपने तरीके से समाधान करने के लिए कहते हैं। मतलब दैट मीन्स हम ये सोचते हैं कि भगवान को पता नहीं हमारे लिए क्या बेस्ट है, हम अपना बेस्ट कृष्णा को बताते हैं जबकि हम अज्ञान में हैं, हम अपना बेस्ट जानते ही नहीं है। तो इसलिए बेस्ट ये होता है भगवान से मांगना चाहिए, भगवान आप जो समझते हो मेरे लिए बेस्ट है वो करो। तो ये हम लोगों का आदत होता है क्योंकि हाँ, और तो इसीलिए अर्जुन फर्स्ट चैप्टर गीता में सिर्फ यही बोलते रहते हैं कृष्णा को, कृष्णा मैं जंगल जाना चाहता हूं और मैं छोड़कर युद्ध जाना चाहता हूं, ये इस कारण से पूरा कारण दे देते हैं, लंबी लिस्ट देते हैं। और फाइनली वो कारण देने के बाद भी वॉज नॉट सेटिस्फाइड, अंदर से पूरा टूट गए थे, सारा उनका जो गांडीव धनुष था शेक कर रहा था। जैसे हम सब के पास डिग्रियां होती है ना, डिग्रियां हम लोग अर्जित करते हैं पूरे जीवन भर, स्किल, तो स्किल होते हुए भी हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, ऐसी स्थिति हो गई। ये हम सब के जीवन में आता है, वी हैव द बेस्ट ऑफ द रिचेस, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन शेक कर रहे हैं अंदर से क्षमता नहीं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, डोंट फील लाइक कुछ कर डूइंग, कुछ करना नहीं है, मन नहीं कर रहा है। तो वैसी अर्जुन की स्थिति हो गई।
See, आप see, अर्जुन की स्थिति इमेजिन करना वेरी डिफिकल्ट. मतलब आप सोचिए, इन्होंने 13 साल पूरा बाहर रहे हैं, 12 साल ऐसे वनवास और फिर 1 साल इनकॉग्निटो पूरा छिप कर रहे हैं अज्ञातवास में. और ये सब करने के बाद इतना उन्होंने इस स्टेज तक आते आते ये जो दिन अभी आया था महाभारत का, तो दैट इज द मोमेंट जहां पर वो आज युद्ध करके वो अब वापस धर्म की स्थापना होगी और अब राज्य वापस पा सकते हैं अपना. तो सो मच स्ट्रगल, आप मतलब बहुत स्ट्रगल किया हम लोगों ने. अर्जुन ने इतना प्रैक्टिस किया, रात भर वो जग जग कर गांडीव धनुष जो जब वो आर्चरी सीख रहा था द्रोणाचार्य के अंडर में, तो उसको वो रात भर जगता था. इसीलिए उसको नाम गुड़ा केस है, मतलब कॉन्कर्ड इवन द यू नो स्लीप भी कॉन्कर करके बैठे, सोना निद्रा काउंटर कर लिया है. तो ये सो अर्जुन वाज वेरी स्किलफुल, बहुत ज्यादा टैलेंटेड था, एक्सपर्ट डांसर था अर्जुन. बहुत अर्जुन के बहुत कलाएं थी अर्जुन के अंदर. और आप सोचिए इसी सेल्फ सेम बॉडी में अर्जुन वाज एबल टू एंटर इनटू हेवन, ना स्वर्ग चले गए थे अर्जुन. आपको पता होना चाहिए ज्ञातवास के समय जब वो एक्चुअली उनको कई चीजों को, जैसे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं अपनी डिग्री अर्जित करने के लिए, कोई फॉरेन जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कुछ यूनिवर्सिटी से लाता है. तो अर्जुन भी हेवन स्वर्ग जाकर वहां से यूनिवर्सिटी से लेकर आए थे, अब कुछ खिताब अर्जित करके आए थे. इतना पावरफुल योद्धा, और आज क्या स्थिति हो गई है, क्योंकि उसका मन उसके साथ नहीं दे रहा. इमेजिन करिए तो मन कितना गिरा सकता है इंसान को, कितने भी शक्तिशाली आप क्यों ना हो. अर्जुन शेक कर रहे थे पूरा, स्विच ऑफ हो गया. तो इसलिए हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमारी स्थिति कहीं ऐसी ना हो जाए अर्जुन जैसे. तो एक तो हो सकता है हमारी स्थिति हो गई है कई बार ऐसा, या फ्यूचर में ना हो, दोनों सिचुएशन के लिए हमारे लिए गीता है. तो इसलिए फर्स्ट लेसन का चैप्टर गीता में यही था कि अर्जुन पूरा तर्क दे दिए. जैसे हम लोग अगर अपने बनाए गए सॉल्यूशन से अपना समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे तो हमारी स्थिति ऐसे ही हो जाएगी अर्जुन की तरह. तो वी शुड नॉट लुक फॉर मैन मेड सॉल्यूशन. दुनिया भर में आप देखिए आजकल लोग दे गिव सो मेनी बिग बिग मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं, ऐसे होगा, ऐसे कर सकते हैं, बहुत कुछ टिप्स देते हैं, बट एक्चुअली देखा जाए तो अपना ही भला नहीं जानते हैं बहुत लोग, दूसरों का भला करने की कोशिश करते हैं. तो इसीलिए अर्जुन को भगवान पूरा अभी सुन रहे हैं ध्यान से. मतलब ठीक है, सी आप जब तक खुद किसी से सलूशन नहीं मांगेंगे तो सलूशन देने का क्या मतलब है. जब कोई आपसे कुछ सलूशन चाह ही नहीं रहा है तो फिर देंगे क्यों. तो अभी तक अर्जुन अपने आप को ही लीडर मान रहे थे, अपने आप को ही वो अपना डॉक्टर मान रहे थे. तो इसीलिए सेकेंड चैप्टर आते ही अर्जुन ने बोला मुझसे नहीं होगा, अब आप ही देखिए. शिष्यस्ते हम साधितो हम, बोलते अब मैं तो बस आपका शिष्य हूं, अब आप देख लीजिए जो करना है, अब मैं मुझे नहीं लगता मैं खुद से कर पाऊंगा. तब कृष्ण ने चार्ज लिया था. तो इसीलिए हमें अपना सॉल्यूशन ढूंढना पूरी तरह से बंद कर देना है. और जब कृष्ण ने चार्ज लिया है फिर तो पहली चीज उन्होंने यही समझाई है कि अर्जुन तुम कौन हो पहले ये समझो. तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं. तो अर्जुन को बोला अर्जुन तुम ये आत्मा आत्मा हो, शरीर नहीं हो. अगर आप ये शरीर हैं दैट मीन्स आप इस शरीर का अगर ट्रांसप्लांट कर दें पूरी तरह से तो आप फिर आप भी बदल जाने चाहिए, फिर भी आप तो वही रहते हो. आपके सारे बॉडी के पार्ट चेंज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, तो भी आप तो अलग ही रहोगे ना, आप तो तब भी अलग रहोगे, जीवित रहोगे. तो इस तरह से मानव जीवन एक्चुअली मिला यही है जानने के लिए कि मैं कौन हूं. और अगर ये नहीं जाना कि मैं कौन हूं तो फिर आप अपने आप को खुश कैसे रख सकते. पॉइंट तो यही है ना, अब अगर अपने आप को ये शरीर मानते जीवित रह गए तो आप अपने आप को तो मशीन ही मान लो. शरीर तो मशीन है ना, ड्रेस एक मशीन की तरह है. तो इसीलिए हम दुखी हैं क्योंकि हम पहली बात तो अपने आप को जानते ही नहीं है कि हम कौन है. और हम अपने आप को बड़ा बड़ा
बोलते हैं मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास ये डिग्री है, और पता नहीं कि मैं कौन हूं। चेतन महाप्रभु के एक शिष्य थे सनातन गोस्वामी, तो वो बहुत बड़े स्कॉलर थे, ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर अंडर बंगाल नवाब, और वो पूछ रहे हैं, लोग मुझे बोलते हैं मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, बट आई डोंट नो की आमी, बोलते मैं कौन हूं। सनातन गोस्वामी पूछते मैं की आमी, ये वर्ड बंगाली में की आमी, मैं कौन हूं बताइए। तो ये प्रश्न हम आप पूछते नहीं, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन हम नहीं पूछते हैं लाइफ में, सुबह से शाम तक हम बहुत प्रश्न पूछते हैं, आज क्या ब्रेकफास्ट में क्या है, लंच में क्या है, आज कहाँ घूमने जाना है, क्या करना है, शॉपिंग कहाँ करना है, दुनिया भर के क्वेश्चन है, लेकिन हम ये नहीं पूछते हैं मैं कौन। अपने आप को जान के, जब अपने आप को जान ही रहे तो कैसे होगा सब। तो इसीलिए अगर आपका ये एंडेवर है कि मैं कौन हूं जानने में, तो इसका मतलब आपने मित्र बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि द फ्रेंडशिप इज दैट आई एम सो, इफ आई एक्ट इन दैट वे देन आई एम माई फ्रेंड, बट इवन आफ्टर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी इफ आई डोंट एक्ट इन दैट वे देन आई एम माई एनिमी। तो अगर हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि मैं आत्मा हूं, उसको रियलाइज करने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने मित्र की तरह काम कर रहे हैं, वरना शत्रु। तो ये पहला कंडीशन प्रभुपाद बता रहे हैं। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ श्लोक है जिसमें बोलते हैं बंधुरात्मनस्तस्य एनामैव आत्मनो जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वेव तदात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया है इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो सक्सेस लाइफ का क्या है फिर हमारा, कि हमें सक्सेस यही है कि हम माइंड इज द फ्रेंड ऑफ वन सेल्फ, सो वी हैव टू ट्रेन द माइंड, and if I train my mind for becoming my friend, then my life is successful. तो हमारा जीवन सफल इसी बात पर है कि हम अपने मन को मरने से पहले क्या बना ले, अपना मित्र बना ले, यही सफलता है। वरना मरते समय हमारा मन जिस चीज पर रहेगा वैसे ही शरीर मिल जाएगा। तो इसीलिए तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मृत्यु के समय आप क्या सोच रहे हैं ये आपका अगला जन्म निर्धारण करता है। इसका एग्जाम्पल भी है जड़ भरत, जिस जो भारतवर्ष हमारा है इसका नाम पड़ा भारत, भरत महाराज के नाम से। तो वो भरत महाराज वो मृत्यु के समय सोच रहे हैं किसके बारे में, हिरण के बारे में। वो सोचिए इतना बड़ा राज्य था, क्योंकि राजा राजऋषि थे वो, अपना जब उनका एक टाइम हो गया तो अपना राज्य छोड़कर उन्होंने अपने बेटे को राज्य देकर वो एक पुलस्त्य आश्रम वहां पर आकर गंडकी नदी के किनारे आकर भजन करने लग जाते। लेकिन एक हिरणी थी वो उसके पीछे शिकार के लिए वो डर के मारे भाग रही थी, कोई शिकार कर रहा था। तो अचानक नदी क्रॉस करते समय उसका मिसकैरेज, बच्चा पेट से निकला और वो मर गई, और बच्चा वो पानी में तैर रहा है। उसको देख के भरत महाराज बहुत उनको बहुत करुणा आती है और उसको रख लेते हैं, पालने लग जाते हैं। तो उस भरत उस हिरण के चक्कर में उनका खुद का भजन खराब हो गया, और जब मर रहे थे शरीर छूट रहा था तो यही चिंता हो रही थी उस हिरण बच्चे का क्या होगा, उस बच्चे को कहीं कोई जानवर ना खा जाए कुछ हो, और ऐसे ही शरीर छूट गया। तो वो उनका अगला जन्म हिरण के शरीर में। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या हम सोचते हैं मृत्यु के समय, ये निर्धारित करें। तो इसीलिए तो हमारे जीवन की सफलता यही है कि मृत्यु को, वो माइंड को मृत्यु के पहले हम जहां लगाना है वहां लगा के फोकस फिक्स कर लें। तो ये सक्सेस है हमारे जीवन का, प्रभुपाद बोल रहे हैं। और कैसे ट्रेन करना है अब उस पर आते हैं हम, हाउ टू, तो इट इज बाय गुड एसोसिएशन। मन को अगर ट्रेन करना है तो आपको सही संग देना पड़ेगा। संगात संजायते कामा, गीता में भगवान बोलते हैं दूसरे अध्याय में 62 वर्स में कि संग से क्या होता है आपके अंदर इच्छाएं जागती हैं। माइंड का काम है इच्छा करना, ठीक है, बट कैसी इच्छा आएगी वो आपके संग पे निर्धारित करता है।
तो जैसे बोलते हैं जैसा संग वैसा रंग, संगात संजायते कामा, संग से इच्छाएं आती हैं। तो अगर वास्तव में आपको मन को ट्रेन करना है तो आपको सही एसोसिएशन में रहना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली ट्रेनिंग का पहला पहला और सबसे मजबूत अंग है। आप अगर सोचोगे मन घर पे बैठे बैठे कि मन क्यों नहीं हो रहा है, नहीं नहीं, बहुत इम्पॉसिबल। आपको ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां से आपको शक्ति मिलेगी, और ये सबका अनुभव रहा है, हम सबका अनुभव जीवन में ऐसे ही रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं सत्संग, बोलते हैं ना उसको, गुड एसोसिएशन, सत्संग। सत्संग का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है? इंडिया में हम बहुत बार ये वर्ड्स को सुनते हैं, तो उसकी वर्ड की तो बस सुनते ही हैं। संतों का संग, ऐसा संग जिससे सत्य को कह, सत्य का संग, सत्संग मतलब सत्य का संग करना। सत्संग के नाम पर कुसंग ना करना, सत्संग सत्य का संग, जो सत्य है उसका संग करना। तो वास्तव में अगर हम अपना मित्र बनना चाहते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं, तो आपको पहले सत्संग करना पड़ेगा, साधु के पास जाना पड़ेगा। अब डेफिनेशन क्या है साधु की, क्या है, तो ये चीज क्लियर हो गया आपको। ट्रेनिंग कहाँ से होगा? संग से। वो इच्छाएं तभी आएंगी, नहीं तो नहीं हो सकता। तो उसके लिए प्रभुपाद बताते हैं, तस्मात सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। बुद्धिमान व इंटेलिजेंट कौन है? जो सत्सु, सत्सु मतलब सत्य, जो सत्य का आचरण कर रहे हैं उनके संग करें। तो सत और असत, तो सत्य क्या है और असत्य क्या है, तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर हम हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी चीजों पर लगा देते हैं तो असत है, तो वो एक्चुअली नॉन डिजायरेबल, और इसीलिए हम दुखी रहते हैं। आप सोचिए, अगर आप अपने आप को जीवन भर ये समझ के बैठे हुए हैं कि आप शरीर हैं, तो दैट मींस आपने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी है। क्योंकि अगर आपने आपको शरीर मान रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप जीवन भर डर के रहेंगे। कैसे? क्योंकि हर समय आपका शरीर जा सकता है, छूट सकता है, और वो शरीर आप कितने भी हेल्दी क्यों ना हो, फिर भी आपका धीरे धीरे आपका शरीर वो पतन की तरफ जा रहा है, वो डर आपको खा जाएगा। इसीलिए ये अज्ञानता है जिसकी वजह से हम अपने आप को शरीर मानते हैं और अपने आप को हमेशा कष्ट में डाल के रखते हैं। तो इसीलिए जब मन हमारा असत, इसे असत बोला जाता है, मटेरियल चीजों पर हमें हमेशा अपना फोकस करके रखते हैं। तो ये जो मटेरियल का मतलब क्या होता है कि जब हम चीजों को, हम ये समझते हैं कि ये मेरे शरीर से जुड़ी हुई है, ये भगवान से नहीं मेरे से जुड़ी हुई है, मेरा है, मैं और मेरा की भावना होती है, ये हमको हमेशा दुख में रखता है, इसीलिए दुखी रहते हैं हम लोग। तो सत मतलब जो परमानेंट, मैं हमेशा अपने आप को ऐसी चीजों से जोड़ रहा हूं, जैसे आप भगवान से जो रिश्ता बना, हम लोग जब गीता सुनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, दैट मीन्स हम भगवान से कनेक्ट होना चाहते हैं, सत्य से कनेक्ट होना। भगवान को एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य बोला जाता है। तुमसे जुड़ने का मतलब क्या है? आप कुछ भी इन्वेस्ट करोगे उस रिलेशन में तो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन आप जो भी बॉडी में इन्वेस्ट करोगे वो 100% खत्म होने के लिए। मतलब आप ऐसे बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो जो बैंक कुछ दिन बाद क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा, बीच में बैंकरप्ट हो जाएगा। ऐसे बैंक में कोई खर्च करना चाहता है? बुद्धिमान बोला जाएगा उसको। तो हम लोग बुद्धिमान है कि नहीं है? क्यों धीरज बुद्धिमान है? अरे बोल दो, हाँ नहीं, दो ही आंसर है, नहीं है ना। तो बुद्धिमान, तो इसीलिए अगर हम रेगुलर एसोसिएशन करेंगे तो दिस ये शक्ति आती है, आप अपने आप ही आप करने लग जाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो रिजल्ट क्या है? एसोसिएशन से होगा क्या? संग मिलेगा तो होगा क्या? तो इससे बोलते हैं संता छिन्नंती संता, इसको संता छिंदंती, मतलब छिंदंती मतलब वो आपके, दे कैन कट ऑफ बाय देयर वर्ड्स अवर अटैचमेंट विद दिस मटेरियल बॉडी। वो आपका जो गलत आसक्ति है जो, उसको काट देंगे वो लोग, उस संग से ये होगा।
जैसे अर्जुन जब अभी पहले तो खूब बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें, तो कृष्णा ने जैसे ही चार्ज लिया, अर्जुन ने बोला कृष्णा आई एम नाउ योर स्टूडेंट, यू आर माय टीचर, ये फ्रेंड रिलेशनशिप खत्म, फ्रेंडली टॉक में तो नहीं होगा कोई डिस्कशन, तो बोला अब आप मेरे टीचर हो, मैं आपका शिष्य हूं, तो नाउ स्टार्ट। तो वो तुरंत बोलते हैं, सबसे पहली चीज बोलते हैं कि तुम अर्जुन तुम मूर्ख हो, तुम जो चीज शोकनी नहीं है उसके लिए शोक कर रहे हो। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड कृष्ण ने बोलना चालू किया है। तो ये स्ट्रॉन्ग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हमारा नहीं जाएगा। जैसे कुछ जगहों पर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप सब धृतराष्ट्र को जानते हैं, आंखों से भी अंधा था और स्पिरिचुअली फिजिकली भी ब्लाइंड और स्पिरिचुअली भी ब्लाइंड। सोचिए जिन लोगों को मारना चाह रहा था पांडवों को, उन्हीं पांडवों ने उसके 100 पुत्रों को मारा, ठीक है। भीम ने सारा शतक मारा था, भीम ने सेंचुरी मारी थी, उसने प्रण लिया था 100 को मैं निपटाऊंगा, तो सब मारे गए पांडवों के द्वारा और युद्ध सब खत्म हो चुका है, 18 दिन में सब फिनिश हो गया था पूरा महाभारत। और अब जब ये युद्ध हो गया है, उसके बाद वो धृतराष्ट्र रहे किसके साथ रहे, वही रह रहा है युधिष्ठिर के अंडर में ही रह रहा है। तो आपको पता होना चाहिए धृतराष्ट्र के भाई कौन थे, विदुर जी। तो दुर्योधन ने उनको अपमान करके घर से भगा दिया था, तो ये पूरा तीर्थ में उस समय निकले थे, पूरा उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, मैत्रेय मुनि से सुनकर आए थे पूरा डिस्कशन, तो पूरा साधु बन चुके थे, और साधु का हृदय हमेशा रहता है दूसरों का उपकार करना। तो बोला ये जो मेरा भाई है कम से कम इसको एक बार मिल के आता हूं। तो आफ्टर द वॉर इज ओवर वो रिटर्न करते हैं अपने अयोध्या, वो अयोध्या कह रहा हूं ये इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर। तो जब आए तो यही बोलते हैं अपने भाई से, बोलते हैं यू आर लिविंग लाइक अ डॉग, हाँ कुत्ते की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हो तुम, हाँ उनकी रोटी में पल रहे हो जो तुम जिनको तुम पहले मारने की कोशिश कर रहे थे, शर्म नहीं आती तुमको, हाँ अभी भी घर पे फंसे हुए हो पड़े हुए हो। ऐसे जब हार्श वर्ड बोला, ये मैं क्यों बता रहा हूं, दैट इज द वे साधु ब्रेक्स दिस चेन, ये जो नॉट है जो हम बहुत ज्यादा हमें हम मानकर हमारा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है ना, तो ये वर्ड्स आपको तुरंत छिंदंती काट देते हैं, जैसे चाकू की तरह, इसको बोलते शार्पेंड इंस्ट्रूमेंट, शार्प की तरह पूरा चाकू की तरह काट देते हैं। तो ये जो टॉपिक्स जो आपको सुनाते हैं हम जब शास्त्रों से, भगवद गीता से, भागवतम से, तो ये आपको विवश कर देंगे आपको काटने के लिए। तो इसलिए जब ऐसा बोला तो वो तुरंत बताते हैं उसी रात धृतराष्ट्र गांधारी के साथ तुरंत उत्तराखंड की तरफ निकल गए हरिद्वार की तरफ, और किसी को कुछ बताया नहीं। और इधर युधिष्ठिर महाराज जैसी सुबह हुई तो चिल्ला रहे हैं कहाँ गए हमारे चाचा, कहाँ गए, कोई पता नहीं। ये एक्चुअली पहले का कल्चर था, पहले एक टाइम आता था लोगों का तो दे बिना नोटिस के चले जाते थे, किसी को पता नहीं होता था, दे न्यू कि अब ये कहीं शरीर छोड़ेगा तो किसी तीर्थ में जाके छोड़ेगा शरीर, दैट इज लाइक देयर फाइनल जर्नी। ऐसा होता था गांव से लोग जाते थे तो सब उसको फेयरवेल देते थे, नाउ ही इज गोइंग फॉर समथिंग जो उसका हायर कॉज है। तो ये असर हुआ था जैसे साधु की शार्प वर्ड्स का। दूसरा एग्जांपल आता है, एक वही जो मैं भरत महाराज की स्टोरी बताया था ना आपको, जो हिरण बन गए थे भरत महाराज, हाँ मृत्यु के समय हिरण के बारे में सोच रहे हैं तो हिरण बन गए वो। अभी क्या हो रहा है कि वो एक लाइफ तो हिरण बन गए, तो हिरण के शरीर में भी उनको उनके पिछले जन्म का याद था, फॉर्चुनेटली बाई कृष्णस ग्रेस उनको ये याद था कि मैंने जो गलती करी थी इसकी वजह से। तो वो जब हिरण के फैमिली में जन्म लिया तो भी नॉर्मल हिरण की तरह नहीं रहे, वो फिर से उसी जगह पर आ गए जहां पर पहले एज अ भरत महाराज वो भजन किया करते थे, और जानबूझकर हरी घास है फिर भी सूखी घास खाते थे, ऑस्टेरिटी करते थे। और हिरण का शरीर जैसे छूटा तो उनको नेक्स्ट बॉडी एज अ एक वैष्णव पर एक ब्राह्मण परिवार में जन्म, तो उनको जड़ भरत। अब की जब जन्म लिया उन्होंने ना, तो उन्होंने ऐसे एक्ट किया है ना, उसके लिए जड़ बोलते हैं, मतलब ही एक्टेड एज अ डम एंड डेफ,
मतलब कुछ जैसे लग रहा है सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ बोल कुछ दिखा बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसा हो गया। और जानबूझकर उनको सब पता था अंदर से, जानबूझकर ही वाज एक्टिंग एज अ फूल। तो उनके घर वाले उनको सिखाने का बहुत प्रयास करते थे, उल्टा ही करते थे। खाने के बाद हाथ धुलना है तो उल्टा, जो भी हर काम मतलब जैसे उल्टा ही सब काम करते थे वो जानबूझ के। तो उनको एक बार क्या हुआ कि उनको बोला ठीक है किसी काम का नहीं है, खाना तो देना ही है, तो ऐसा करते हैं इसको खेत में ना, जैसे खेत में पुतले लगा देते हैं ना ऐसे, तो बोला किसी तरह से इसको पुतले की तरह बैठा दो, कम से कम कोई जानवर तो आके खेती नहीं खराब करेगा। तो रात में उसको जब ऐसा करके खड़ा कर दिया, तो एक बार की बात है कुछ डकैत वो डाकुओं के सरदार थे, वो ढूंढ रहे थे कि काली की पूजा के लिए ना कोई मनुष्य की बलि दी जाए। तो देखा ये बहुत हट्टे खट्टे हैं, राजा मिला है तो लेकर उसको, और इनको लेके जा रहे हैं, सोचिए आपको कोई लेके जाए चलिए काली जी के पास आपको चढ़ाना है, उनको पता है तो आप क्या, बोलो ठीक है चलते हैं। वो बिल्कुल साफ उनको पता है, बिकॉज ही सिचुएटेड ऑन सत्य, उनको पता है अगर कृष्ण मारना चाहेंगे तो कोई नहीं बचा सकता है, बचाना चाहेंगे कोई नहीं मार सकता, यार ये क्या मारेगा मुझे। हाँ ही वाज फुली रियलाइज पर्सन, और काली के सामने सब कुछ व्यवस्था करके तलवार लेके मारने ही वाले थे। काली देवी अपने मूर्ति से निकलती हैं, जो तलवार थी उससे उन सब असुरों को, जो असुर क्या वो डकैतों को सबको मारती हैं, सबको तुरंत ऑन द स्पॉट मार देती है। बिकॉज वो क्या है, वैष्णवी है ना, एक वैष्णवी दूसरे वैष्णव को नहीं देख सकती मरते। तो ये लोगों को पता नहीं है, कोई समझता नहीं है ना काली देवी है कौन, तो वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। तो इस तरह से अब वो जड़ भरत छूट गए हैं, अभी रास्ते में जा रहे हैं तो एक रहुगणा करके राजा हैं, वो एक अपनी यात्रा में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं इस फोटो में। और जब यात्रा में जा रहे हैं तो पालकी उठाया जा रहा है, तो वो क्या रहा है, इनके पास एक मेंबर कम था, तो चार लोग तो उधर, तो इनको देखा हट्टा खट्टा जवान जा रहा है, बोले आ जाओ ज्वाइन कर लो। तो राजा है भाई, वो तो किसी को कुछ बोलते नहीं, चुपचाप आके ज्वाइन कर लिया। और जब वो लेके जा रहे हैं तो रास्ते में जब जा रहे हैं तो वो देख रहे हैं कोई चींटी आ रही है, कुछ आ रहा है, तो फिर पैर नहीं रखना था, तो थोड़ा जब रास्ते में चींटी आएगा तो जाहिर सी बात है वो ऊपर नीचे होगा, तो उनका पालकी हिल रहा है, राजा को ब्रेक डांस हो रहा है राजा का अंदर ही। तो वो राजा बार बार करी क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो बोला हम नहीं सर, हुजूर हम नहीं कर रहे हैं, ये जो चौथा है ये है ना ये कर रहा है प्रॉब्लम, ये क्रिएट कर रहा है। तो जड़ भरत को बहुत उसने सुनाया राजा ने, तुमको समझ नहीं आ रहा है, इसको बहुत बुरा भला बोला राजा ने। तो जड़ भरत ने अब जाकर बोलना चालू किया, बोलते हैं आप हे राजन, आप जो बोल रहे हो एज अ किंग ना, आप सोचते हो आप राजा हो, लेकिन और मैं आपका सेवक हूं ना, ये कुछ दिन बाद अगले ये रिवर्स भी हो सकता है, मैं राजा आप सेवक, तो ऐसा मत सोचिएगा। तो जब ये सत्य का सब ऐसे मुख वाणी सुनी उसने, तो राजा तो समझ गया ये कोई जड़, ये कोई ऐसा साधारण नहीं है। राजा तुरंत उसने पालकी से उठा और कूद के तुरंत पैर में गिर पड़ा जड़ भरत के। तो कटु वचन आजकल क्या है, ट्रेंड चला हुआ है, हम गुरु ढूंढते हैं ना, तो ऐसा हो गया जैसे मान लीजिए कोई जो सब कुछ मीठा मीठा बोले, हाँ जो मीठा बोले वो ऐसा हम ढूंढते हैं अपने हिसाब से, जैसे हो गया कोई मोबाइल फोन रखा है ना, तो वैसे ही बोलते हैं हमारे पास भी गुरु है, जैसे लाइक मोबाइल चेंज करना भी चेंज कर लेंगे जब मन होगा, और उस ऐसा गुरु चूज करेंगे जो बिल्कुल मीठा मीठा बोले, ये ना बोले कि ये नहीं करना है, हाँ ये बोले कि जो करना चाहे तो करो, बस मेरे पास हाजिरी लगाते रहो। वी आर लुकिंग फॉर सच टीचर्स। तो अगर साधु भी अगर आपको मीठा मीठा बोलने लग गया, अगर आप सोचिए डॉक्टर डॉक्टर के पास आप जाके बोले डॉक्टर साहब मीठी मीठी दवा दे दीजिए और आप देखिए दर्द नहीं होना चाहिए, तो डॉक्टर फिर आप क्या कह रहे हो, आप चाह रहे हो कि मेरा इलाज मत करो, तो अगर ऑपरेशन की जरूरत है तो वो आपका ऑपरेशन करेगा, अगर आपको कड़वी दवा लेनी होगी देगा। तो इसीलिए
मैंने बताया कि मन को पहला मन को नियंत्रण करना है तो एसोसिएशन, गुड एसोसिएशन, देन वो एसोसिएशन से क्या होगा, वो वर्ड सुनने को मिलेंगे। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम मूर्ख हो और ना शोक करने वाली चीज पे शोक करते हो और शोक वाले पे शोक नहीं कर रहे हो, तो मूर्ख की तरह एक्ट मत करो। तो ये बहुत ही हार्श वर्ड अर्जुन को भी सुना रहे थे। तो वैसे ही धृतराष्ट्र को, वैसे ही रघुगुना। तो ये ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। नारद मुनि, कुबेर के दो पुत्र थे, कुबेर हमारे जो खजांची हैं स्वर्गलोक में, उनके दो पुत्र मणिग्रीवा और नलकुबर एंड मणिग्रीवा। तो ये दोनों, इन दोनों का भी इतना ज्यादा मटेरियली देवर सो ऑपुलेंट, और उनको भी श्राप देकर उनको तार दिया, श्राप दिया और उससे तार दिया। तो इस तरह से हमें समझ में आना चाहिए दिस इज द वे ये वर्क करता है साधु का, ठीक है ना। तो ये मैंने बता दिया, तो उससे क्या होगा, इस वर्ड से होगा क्या, आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि मैं क्या हूं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, वरना ये घुसेगा नहीं दिमाग में। ऐसे अभी मैंने आपको उदाहरण से समझाया है, अभी हमारे ठाकुर जी बैठे हैं तो उन्होंने बोला ये मेरा शरीर है, तो ये वास्तव में ये चीज नहीं जाएगी। और जब तक आप अपने अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो शास्त्र बोलते हैं अगर आप अपने आप को ये समझते हैं ना कि आपका शरीर म्यूकस बाई लेयर, मतलब शरीर सिर्फ आप जो हैं वो इसके ही बने हैं, अगर आप अपने आप को यही शरीर समझते हैं और आप ये समझते हैं कि जो आपका लैंड है वो वर्शिपेबल है, लोग अपने अपने लैंड से घर से बहुत बोलते हैं ये तो वर्शिपेबल है, और अगर आप सोचते हैं कि पिलग्रिमेज एक होली एक सिर्फ वॉटर स्टोर की तरह है, और अगर आप ये सोचते हैं कि बट हु नेवर आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद फील्स हिमसेल्फ विद वर्शिप और इवन विजिट्स दोज हु आर वॉइस इन स्पिरिचुअल ट्रुथ सच अ पर्सन इज नो बेटर देन काउ और एन एस। ये शास्त्र बोल रहे हैं या भागवतम का जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमने लाइफ हमने एज अ जानवर गंवा दी। जानवर कभी इंक्वायरी नहीं करता इन सब चीजों की, उसका सिर्फ और सिर्फ चिंतन होता है आहार कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ सोने को मिलेगा, कहाँ आहार निद्रा भय कहाँ रहने को मिलेगा, कहाँ एक पारिवारिक जीवन जीने को मिलेगा। भय आहार निद्रा भय मैथुन ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग, ये जानवर, ये अगर हम जीवन इसी पे लगा दिए तो हमारा जीवन कोई बेटर नहीं है एनिमल से। हमको बस ये बोला जा सकता है कि हम सोफिस्टिकेटेड एनिमल है बस, और देखो तो और कोई अंतर नहीं, नो डिफरेंस। तो इसीलिए ये अगर हम रेगुलर करते हैं, और दूसरा तरीका भी होता है अगर आप बुक्स पढ़ते हैं दैट इज ऑल्सो गुड एसोसिएशन। तो भगवद गीता रूपा जी ने बहुत बुक्स लिखी हैं और शास्त्रों पे कमेंट्री भी दी, भगवद गीता पे, श्रीमद भागवतम पे, और स्मॉल बुक्स भी हैं। कोई भी आप बुक पढ़ेंगे आप देखेंगे आपको धीरे धीरे ये जो आपका एसोसिएशन है, क्योंकि हर समय हम जैसे यहाँ पर संडे आ रहे हैं 5 to 7, तो हम घर पर भी एटलीस्ट एक वर्ष गीता का रोज पढ़ सकते हैं, और हमारा दोपहर में हम लोग भी एक कोर्स भी कर रहे हैं गीता पे। तो इस तरह से हमारा प्रयास यही है कि आप लोगों को हम कैसे जो ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत बार होता है गीता हमारे पास होता है वी कैन नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली, तो एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग यहाँ पर आए और हम आपको जो भी संशय है क्वेश्चन है उनका आंसर आपको मिलेगा। तो इस तरह से ये आपको एसोसिएशन आएगा तो फिर क्या होगा कि आपका ये जो जीवन है ना, तो इसीलिए बोलते हैं मन को हमें अगर फोकस करना है तो जैसे एक फोर्ट होता है किला, उसमें आप अगर पहरेदार अच्छा रखें ना तो आप बच जाएंगे। तो इसे मन को प्रभुपाद बोलते हैं कि फोर्ट इज डिफेंडेड बाय ग्रेट जनरल। अगर हम कृष्णा को अगर उस पर फोकस कर देते हैं, कृष्णा को रख देते हैं ना, तो कभी शत्रु नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए हरा व भक्त से कुतो महान गुना, अगर हम भगवान कृष्ण को रख देते हैं तो सारे अच्छे गुण आपके अंदर अपने आप ही आ जाएंगे, और आपकी लाइफ इस तरह से क्या मन पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज मन पे कोई विजय नहीं प्राप्त कर पाया है ना होगा। अर्जुन बोल रहे हैं कि कृष्णा मुझसे जो मन ना, ये मना ही चंचला कृष्णा, चंचला ही मना कृष्णा परमाती बलवदृढ़म। ये मन अर्जुन बोल रहे हैं 5000 साल पहले मुझसे नियंत्रण में नहीं आए, तो हम तो इस कलयुग में है, इतना डिस्टर्बेंस हर जगह पर है, जगह जगह डिस्टर्बेंस है, इट्स नॉट इजी। इसीलिए आप लोग कोशिश करिए रेगुलर एसोसिएशन में आइए,